नादान छोटा हाथी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में कुछ जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, जैसे शेर, लोमड़ी, हाथी, घोड़ा, खरगोश और कौवा। एक दिन हाथी के छोटे बच्चे को खेलने का बहुत मन हुआ और वह कौवे से जिद करने लगा। मुझे खेलना है, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं, मुझे खेलना है। कौवा बहुत बूढ़ा हो चुका था। अरे मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बाकी जानवरों को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। इस तरह से कौवे ने बाकी जानवरों को बुलाया और कहा, आ जाओ कुछ देर खेल लो, देखो छोटे हाथी का बहुत दिल कर रहा है। और इस तरह बाकी जानवर भी आकर खेलने के लिए मान गए। पर हम क्या खेलें? खरगोश ने पूछा। मैं बताता हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया तो खेल नहीं पाऊँगा, आप लोग खेलो। पर करना क्या है? बताता हूँ, मैंने आसपास बहुत से संतरे छुपा दिए हैं। आप सबकी अलग अलग टोकरी है, अब इस टोकरी में आप उन संतरों को ढूंढ कर डालिए, जो जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगा। वाह मजा आ गया। सभी बहुत खुश हुए और खेलना शुरू किया। छोटे हाथी को बहुत जल्द संतरे मिल गए, मगर उसकी छोटी सी टोकरी में एक बड़ा सा छेद भी था जिसे उसने नहीं देखा। जैसे ही हाथी उसमें अपना संतरा डालता, टोकरी से वह बाहर निकल जाता। शेर, लोमड़ी और घोड़ा खरगोश को बिल्कुल भी संतरा नहीं मिल रहा था। जिसे भी वह संतरा, जो भी हाथी का गिरा हुआ संतरा पाता, अपनी टोकरी में डाल लेता। और इस तरह सारे संतरे मिलने के बावजूद भी छोटे हाथी की टोकरी खाली की खाली। अंत में वह यह देख बहुत जोर से रोने लगा। ओहो, इतनी मेहनत की, कहाँ गए मेरे संतरे? अरे रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो? मैंने इतने सारे संतरे ढूंढे, पर यहाँ तो एक भी नहीं है। यह सब देख सभी जोर जोर से हंसने लगे। कौवे ने कहा, मैं ऊपर से बैठा सब देख रहा हूँ, तुमने जितने संतरे उठाए तुम्हारी टूटी टोकरी के कारण वो बाहर निकल गए, और बाकी कुछ जानवरों ने तुम्हारे संतरे ले लिए, क्यों? हमें माफ करो। हमें माफ कर दो। इस तरह जानवरों ने माफी मांगी और बेचारे छोटे हाथी को उसके संतरे लौटा दिए, और छोटा हाथी बना विजेता। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गया।